चेहरे पर रुमाल बांधकर करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के साथ कदम ताल कर रहे इस महाशय को देखिए। दरअसल ये हैं सब इंस्पेक्टर जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत के गोहाना सदर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रामनिवास एक मामले में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांग रहे थे, तो शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को दे दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रामनिवास को रंगे हाथ पकड़ा है और 60,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए करनाल एसीबी में तैनात इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि गोहाना सदर थाना में एक FIR दर्ज हुई थी जो कि लड़ाई झगड़े का मामला था। शिकायतकर्ता ने हमसे संपर्क किया, इस मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर रामनिवास उनसे 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में दो और आरोपी अभी गिरफ्तार होने बाकी थे और उन्हें इस मामले में रिलीफ देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिस आधार पर रामनिवास को 60,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी, एक 318 नंबर FIR दर्ज है सदर गोहाना थाना में, लड़ाई झगड़े का केस है और उसमें जो आज हमारे पास शिकायतकर्ता ACB करनाल में उन्होंने संपर्क किया कि जो सब इंस्पेक्टर रामनिवास हैं इस केस के IU थे, वो जो है उन्होंने 70,000 रुपये की डिमांड की हुई है। दो जो इनमें नामजद थे अरेस्ट हो चुके हैं, उनके अलावा दो और व्यक्तियों के नाम थे इसमें और उनको अरेस्ट करने के लिए और उनको इन्वेस्टिगेशन में रिलीफ दिलवाने के लिए उनसे उन्होंने जो 70,000 डिमांड की थी और 60,000 के साथ आज उनको रेड हैंडेड मौका से गिरफ्तार किया गया है। और कंप्लेनेंट की प्ली ये थी कि जो दो लड़कों के नाम अब आप बता रहे हैं वो झगड़ा में मौका पर नहीं थे, तो वो जैसे पैसे नहीं देना चाहते थे इनको अब, और उन्होंने आज शिकायत मूव की। ACB करनाल ने फिर टीम गठित की और SI रामनिवास को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहाँ से गिरफ्तार किया सर इसको? ये सदर थाना गोहाना के बाहर एक चाय की दुकान है उसके पास। सर ये कितने दिन पुराना मामला था? ये इनका जो 318 नंबर FIR है इसी साल की है, लड़ाई झगड़े का केस है, वो अभी हम फाइल लेके आए हैं, वहाँ से कॉल करके आए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में आगे देखेंगे। आगामी क्या कार्रवाई रहने वाली है? इनको अरेस्ट कर लिया और कल पेश करेंगे। शिकायतकर्ता कौन से गांव के हैं जी? शिकायतकर्ता का नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो ऐसा चाहते हैं कि हमारी सूचना अभी उपलब्ध ना करवाई जाए। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।